गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज हम अभी तो फिलहाल अपने घर पे हैं, लेकिन हम बहुत दूर जाने वाले हैं। और गाइस आपको आज बहुत ही कमाल की चीज दिखाने वाले हैं। आज गाइस हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की बिगेस्ट स्टैचू, यानी कि सबसे बड़ी मूर्ति। और गाइस हम हैं फिलहाल अपने घर पे, अपने ऑफिस पे राजस्थान में, लेकिन यहाँ से बहुत दूर है भाई साहब। पता नहीं एक दिन लगेंगे, दो दिन लगेंगे पहुंचने में, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि आपको यार गाइस कुछ नया दिखाएंगे, इसलिए हम जो है बस निकलने वाले हैं गाइस यहाँ से। तो फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। और गाइस बहुत दूर जाने वाले हैं तो वास्तव में टाइम भी बहुत लगेगा और शूट करने में मेहनत भी बहुत लगेगी, लेकिन आपको दिखा करके रहेंगे और आपको एक पूरा ऐसा इस तरीके का एक्सपीरियंस देंगे, आपको लगेगा कि हम खुद ही वहां पर जाकर के आए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के लिए लाइक कर देना। फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। घूमने चले गाइस, घूमना फिरना जो है वो अपने आप ही हो जाता है। और फिलहाल है हाईवे यहाँ पे, तो हाईवे के मजे हैं भाई साहब। गाड़ी यहाँ पर जो है एकदम खुला रोड है तो मस्त चल रही है, साफ बना रहे हैं, लेकिन हमको बहुत लंबा सफर तय करना है गाइस। हमको जो है तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर तय करना है। तो भाई अभी तो जो है सिर्फ 20-25 किलोमीटर हुए हैं, बहुत ज्यादा बचा है। आज तो नहीं पहुंचेंगे। थक जाए तो मेरे को बता देना। आराम से बैठे, मैंने लाइसेंस बनवा लो। लाइसेंस है? दिखा कैमरा पे लाइसेंस, दिखा। अभी बैग में है यार। बैग में है, ये सब बहाने। दूसरी गाड़ी में है, दिखा सकता हूँ मैं गाइस। हमारे पास में जो है दो गाड़ियां हैं फिलहाल, सफारी भी है और एक ये वाली गाड़ी है। तो दोनों गाड़ी लेकर के हम निकले हैं, लेकिन आपको शायद सफारी नहीं दिख पाई होगी, वो जस्ट हमारे पीछे, जस्ट पीछे। तो गाइस हम लोग फिलहाल जयपुर पहुंच चुके हैं। हमको निकले लगभग जो है 3 घंटे हो चुके हैं। जयपुर से जाएंगे अजमेर, अजमेर से ब्यावर, और उससे आगे भी जो है गाइस काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन ब्यावर पहुंचने में मुझे लगता है कि हमको तकरीबन अभी 3-4 घंटे और लगेंगे। चलते हैं भाई, चल ही रहे हैं और क्या ही कर रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता है। कभी आसान कभी मुश्किल अजब है। चलो ये सही है, पूरा होता है क्या एडजस्ट? उड़ गया कबूतर। बोल बोला बाबा की जय। तो गाइस फिलहाल हम हैं श्रीनाथ जी के मंदिर के पास में। यहाँ जस्ट बगल में मुझे मंदिर जो है वो दिखाई भी दे रहा है, उधर पे है। और हमने लगभग आधा जो रास्ता है वो यहाँ पर कवर कर लिया है फिलहाल। गाइस यहाँ पर जो है फिलहाल 10:45 बज चुके हैं और पता नहीं गूगल मैप ने हमको कहाँ घुसा दिया है। गुजरात में हम एंटर कर चुके हैं, लेकिन ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है। देखो क्या टूटा फूटा रास्ता है। अबे गलत तो नहीं घुस गए इसमें? ये वो नदी है भाई, ये नदी है कोई, ये मैशो रिवर करके। दोस्तों हम लोग जो है अभी भी चल ही रहे हैं। हम जो है सुबह निकले थे अपने घर से, फिलहाल जो टाइम है वो हो रहा है रात का 1:52। रात का जो है गाइस 2 बज चुका है। और हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। मैंने गाइस देखो चप्पल भी नहीं पहनी, मैं एक बार फ्लैश लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने जो है चप्पल भी नहीं पहनी है, हम आराम से बैठे हुए थे, अभी तक जो है ट्रैवल ही कर रहे हैं। यहाँ पर है गाइस एक फाइटर जेट, मेरे हिसाब से कोई मिग प्लेन है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर इस सर्कल के अंदर इन्होंने जो है एक फाइटर जेट ही रख रखा है। मस्त चीज है ना भाई साहब, देखो यार क्या चीज है। और लाइटें लगी है, रात के 2 बजे। वहां पर दूसरी गाड़ी है जो सफारी है वो वहां पे है, और ऑडी में फिलहाल हम लोग बैठे हैं। चलो भाई चलते हैं, 2 तो बज गए हैं। तो गाइस आज जो है अगला दिन है और फिलहाल हम लोग अभी वडोदरा पहुंचने वाले हैं। अभी हम जो है रात को यहां पर होटल में रुके थे और हम आपको दूसरी गाड़ी नहीं दिखा पाए। तो गाइस देखो यहां पर है सफारी, दोनों गाड़ी हम लोग लेकर के आए हैं।
हम 8 लोग हैं टोटल और दोनों गाड़ियों में 4-4 लोग हैं, तो आराम से मस्ती से जा रहे हैं। एक दिन में 850 किलोमीटर हमने कवर कर दिया था। अब यहाँ से जो है लगभग 125 किलोमीटर के आसपास में और है वडोदरा से, हम थोड़ा सा पहले हैं। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति। ये टिकट किधर मिलेगी यहाँ पे? टिकट किधर मिलेगी? ठीक है, वो इधर, ये विजिटर पार्किंग इधर है ना भैया? चलिए जी, बहुत बढ़िया। आपके क्या नाम है भैया? महेंद्र। महेंद्र जी तो गाइज यहाँ पर जो है स्टाफ है और वो हमारे सब्सक्राइबर ही हमको मिल गए हैं और महेंद्र जी उन्होंने अपना नाम बताया है, तो क्या बात है गाइज, आते ही जो एक बढ़िया शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। तो गाइज हम लोग फिलहाल यहाँ पर पार्किंग में पहुँच चुके हैं और गाड़ी हमने पार्क कर दी है। यहाँ से 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर जो है वो स्टैचू है, लेकिन एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको स्टैचू तक जाना है तो खुद की गाड़ी तो नहीं ले सकते, इस तरीके की गाड़ियाँ हैं, ई रिक्शाज हैं, और ख़ास बात यह है कि सारी जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। ये गाड़ी भी जो है ये इलेक्ट्रिक है, एक टैक्सी है, तो यहाँ से टैक्सी रेंट करके वहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन मस्त बात यह है कि गाड़ी इलेक्ट्रिक है और पता है अंदर कुछ आवाज़ ही नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि मोटर से चलती है गाड़ी। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइस स्टैचू जो सबसे ऊंची है दुनिया की। भाई साहब जितना इमेजिनेशन में कर पा रहा हूँ ना, मतलब सोच सोच के हो रहा है यार कितनी ऊंची होगी, कितनी ऊंची होगी। चलो गाइस आपको दिखाई देते हैं। चलो दोस्तों, जो स्टैचू थी वो यहाँ पर बहुत दूर से ही दिखाई देने लग गई है और जैसे जैसे हम पास चल रहे हैं वैसे वैसे जो है यहाँ पर जो स्टैचू है उसकी साइज बढ़ती जा रही है। कोई ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और इतनी ऊंची और इतनी बड़ी स्टैचू है कि कुछ अंदाजा ही यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग जो है पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमको आना था। फिलहाल हम सरदार सरोवर डैम के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं सबसे ऊंची स्टैचू। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद में यार गाइज एक अलग ही फीलिंग आ रही है और हम पहुँच चुके हैं आखिरकार। तो गाइज फाइनली हम लोग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पर हम आपको लेकर के आए हैं। हम लोग जो है कल चले थे और 1000 किलोमीटर हमने गाड़ी से ट्रेवल मार दिया। और अब हम जा करके भाई साहब फिलहाल पहुंच चुके हैं यहां पर। कौन सी जगह है गाइस? वैसे तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम आ चुके हैं गाइस स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की, इंडिया की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। तो आपको स्टैचू भी दिखाएंगे, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी भी देंगे कि वो किस चीज से बनी है, कितनी ऊंची है, कितने ऊंचे बेस के ऊपर है, कितने टाइम में बनी, कितने रुपए की लागत में बनी, सब कुछ आपको बताएंगे। चलते हैं गाइस। अब मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है, शाम का लगभग 4:45 का फिलहाल टाइम है। हम लोग कल सुबह चले थे और आज शाम को 4:45 पहुंचे हैं। चलो गाइस। तो गाइस दिखाएं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिलहाल हम हैं नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर डैम पे और गाइस मेरे जस्ट पीछे, यानी कि मेरे जस्ट सामने और आपके जस्ट पीछे, कैमरा करो एक बार गाइस, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। पेड़ों के बीच में क्या शानदार दिख रही है। और यहाँ पर आपको जितना बड़ा अभी इसका साइज दिख रहा है ना गाइस, आप धोखे में मत रहना, अभी हम इससे बहुत दूर हैं और स्टिल एक बार देखो यार। अब पता है जो कैमरा है गाइस वो कभी भी इसके साइज को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। कैमरा जो है उसमें अंदाजा लगेगा ही नहीं क्योंकि आपकी स्क्रीन इतनी ही बड़ी है, लेकिन भाई जो मूर्ति है उसका जो साइज है दैट इज ह्यूमंगस, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मोदी जी ने क्या तगड़ी मूर्ति बनवा दी भाई साहब। और एक्चुअली में जो है
ये जो मूर्ति है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिनका एक बहुत ही अहम योगदान रहा है हमारे देश को बनाने में। क्योंकि गाइस जब भारत जो है जब वो छोटे छोटे टुकड़े में हुआ करता था, बहुत सारी रियासतें थी, तो उनको इकट्ठा कर करके जोड़ करके एक देश बनाने का जो काम था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 10-20 नहीं 562 रियासतों को एक किया, हमारी भारतीयता फिर एक बार सरदार। जब गिनती आती है ना देश के महापुरुषों की, जब नाम आता है जिसमें गांधी जी का नाम आता है, जिसमें नेहरू का नाम आता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, उसी में एक नाम आता है हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और उन्हीं की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो यहाँ पर रखी हुई है। रखी तो क्या हुई है गाइस, मूर्ति जो है वो खड़ी हुई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो डिसीजंस हैं उसमें जो दृढ़ता दिखाई, इसकी वजह से उनको लोह पुरुष यानी कि आयरन मैन या स्टील मैन या कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। और भाई यहाँ पर आकर के बहुत ही तगड़ा फील आ रहा है गाइस। अरे बाकी लोग कहाँ रह गए पीछे? और यहाँ पर इधर आओ देखो देखो देखो, ये है गाइस स्टैचू। और नीचे आप लोग देख सकते हो ये है सरदार सरोवर डैम। दोस्तों ये जो मूर्ति है इसकी जो हाइट है दैट इज 182 मीटर, यानी कि 182 मीटर ऊंची है, जो कि लगभग 500 फीट के आसपास में बनती है। और अगर बात करें इसके स्टैंड सहित, इसका जो बेस है उसके सहित जो मूर्ति ऊंचाई है वो है गाइस 240 मीटर। भाई साहब मैंने फीट में कन्वर्ट किया दोबारा से, 500 फीट नहीं बन रहा, 600 फीट बन रहा है। 597 फीट जो हाइट है, 500 फीट नहीं है गाइस, 600 फीट है। और एक करेक्शन था, मैं सोचा आपको बता देता हूँ। तो भाई साहब सोचो, इतनी ऊंची तो सिर्फ मूर्ति है और 240 मीटर जो है वो स्टैंड के सहित है। सोच करके जो दिमाग है ना वो भाई साहब घूम जाता है। चलो मूर्ति के पास चलते हैं हम। भाई साहब इस दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति को बनाने में जो खर्चा आया था वो आया है गाइस लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आसपास में। और इस मूर्ति को बनाने में जो है स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ में ब्रॉन्ज यानी कि कांसे का यूज़ भी किया गया है। जो कांसा होता है ना उसका यूज़ भी, यानी कि मेटल और कंक्रीट दोनों का यूज़ करके इसको बनाया गया है। लगभग 22,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा इसके अंदर सीमेंट लगी है। और देखो क्या मस्त डेकोरेटिव चीज़ यहाँ पर लगी हुई है। अरे चलो चलो मूर्ति पर चलते हैं जल्दी से यार। टिकट है यहाँ पर 300 रुपये के आसपास। कितने की थी टिकट? 380 की एक बंदे की टिकट है। दोस्तों फिलहाल हम अंदर आ गए, और अब देखो यार, अब जो है मूर्ति को देखने के लिए ऐसे ऊपर करना पड़ता है मुंह, और तब जाकर के उस एंगल पे जो है यहाँ पर मूर्ति दिख रही है। और जबकि हम अभी तो गाइस और काफी दूर है, देखो कहाँ जाना है। और इंसान तो वास्तव में इसके सामने इतने इतने लग रहे हैं, जो पैर की उंगलियां हैं ना वहां तक भी नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है गाइस अपने आप चलने वाली सड़क है। गाइस अभी भी सही में खुद की आईज पे बिलीव नहीं हो रहा इसको देखते देखते कि इसकी साइज क्या है भाई। और अगर मूर्ति की एक एक उंगलियों की भी बात करें ना, तो एक एक उंगलियां भी जो है भाई कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 फीट की तो एक एक फिंगर्स होंगी इसकी। और डिटेलिंग भी अच्छी है। हाँ, और पूरी जो मूर्ति है ना उसमें हाँ चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, चेहरे की जो जो बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स है ना, जो फीचर्स है फेस के, वो एकदम क्लियरली विजिबल हैं। इवन अंगूठे के नाखून से लेकर कपड़ों की लहर तक, ये जो सलवटें होती है ना ये भी पूरी की पूरी मूर्ति में ज़बरदस्त तरीके से दिख रही हैं। तो गाइस इसको बनाने के लिए तो जो है एक बहुत तगड़ा इंजीनियरिंग माइंडसेट चाहिए। और ख़ास बात तो यही है गाइस कि ये जो है पूरे दुनिया की, इस पूरी धरती के ऊपर जो सबसे ऊँची मूर्ति है वो है, जो कि फ़िलहाल मेरे बिल्कुल सामने है। दोस्तों अब हम मूर्ति के बिल्कुल पास आ चुके हैं, और भाई साहब अब मूर्ति को देखने के लिए ऐसे देखना पड़ता है। देखो गाइस ऊपर यहाँ पर जो स्टैचू का साइज है
वो पता लग रहा है, और एक्चुअली में जो हाइट है वो कुछ ज़्यादा ही है, ऐसे करके देखना पड़ रहा है। और एक बहुत ही ख़ास बात ये है कि इसमें विंडोज़ भी बने हुए हैं, वो विंडोज़ जो हैं वो पटेल जी की जो शर्ट में बटन्स हैं उसके अंदर बने हुए हैं, जो बटन्स हैं ना उसके ऊपर जा कर के बटन्स के अंदर से हम जो है ये सामने का व्यू जो है वो देख सकते हैं, वहाँ पर सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी लिखा हुआ है। तो गाइज अब बिना देरी किए फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ है, और ऊपर भी जाएंगे। अब गाइज मूर्ति को देखने के लिए ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे एक्चुअली में ही आपको फील नहीं होगा ऐसे, अब मेरे को पटेल जी का जो फेस है वो दिख रहा है ऐसे करने पे, सोचो और मैं सीधा खड़ा हूँ फिलहाल। हद है भाई। क्या क्या हाइट है। तो गाइस फिलहाल हम स्टैचू जो है उससे जस्ट निचले वाले प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और यहाँ पर अब जो पटेल जी हैं वो हमारे एकदम सामने हैं, और आप देखो पीछे जो साइज है, थोड़ा जूम मारना एक बार भाई अंगूठे पे, देखो गाइस यहाँ पर जो पैरों की उंगलियाँ भी है ना उसका अंदाज़ा आप जो है लगा सकते हो। यहाँ पर जो लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पर जो है छोटे छोटे दिख रहे हैं। गाइज यहाँ पर देखो लोग ऊपर जा रहे हैं, और जब वो पैर के अंगूठे के पास में पहुँचते हैं तो यहाँ पर आप देखो ये पैर के अंगूठे और उंगलियाँ हैं, और लोगों का साइज़ जो है वो कितना सा है इसके कंपेरिजन में, क्या बात है। और ऊपर तो जो मूर्ति है गाइज मैं आपको सही बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो कैमरा है वो इसके साइज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ऊँची है भाई। चलो अब अंदर चलते हैं। गाइज फिलहाल मैं खड़ा हूँ इस पटेल जी की मूर्ति के पैर के पास में, और ये चप्पल है। जो पैर की उंगलियाँ और अंगूठा है ना, ये जो है पैर का अंगूठा है, और इसका जो साइज़ है वो ही इतना ज़्यादा बड़ा है। और भाई साहब नीचे से तो फेस तो दिख भी नहीं रहा है, सिर्फ ये जो है दिख रहा है, आप खुद ही देख लो गाइज। यहाँ पर जो है मैं फ़िलहाल पैर के अंगूठे के पास में, आपको साइज़ का जो अंदाज़ा है वो बहुत बढ़िया से लग ही रहा होगा कि क्या है ये। तो गाइज यहाँ पर आपको एक बार ये भी बता देता है कि जो मूर्ति है वो किस तरीके से बनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं शुरू में जो पहाड़ी थी उसके ऊपर काम चालू हुआ, पहाड़ी को थोड़ा सा फ्लैट किया गया, फिर यहाँ पर एक छोटा सा जो है, छोटा सा नहीं गाइज बहुत बड़ा जो है एक बेस बनाया गया, उसके बाद में फाउंडेशन बनाया गया जिसके ऊपर मूर्ति जो है उसको लगाया जा सके, उसके बाद में जो अंदर का फ्रेम है वो बनना स्टार्ट हुआ। अंदर का फ्रेम आप देख सकते हैं सीमेंट और लोहे से मिलकर के बनाया गया है, इस तरीके से बनाया ताकि वो पूरे वजन को झेल सके, मजबूती के साथ खड़ा रह सके, चाहे भूकंप आए चाहे हवाएं चले चाहे कुछ भी हो, मजबूती जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। क्योंकि गाइस इतनी ज़्यादा हाइट और इतना ज़्यादा वेट होने के बाद में जो मूर्ति है उसका टिकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि इनको जो है कवर किया गया, अरे मैं उल्टा चला गया गाइज, यहाँ तक फाउंडेशन बना था, उसके बाद में अंदर का बेस बना, और चलते चलते देखो लोहा वगैरह इसमें लगाया गया, फिर नीचे का जो कपड़ा है ये बनाया गया, उसके बाद में और नीचे तैयार किया गया, उसके बाद में जो हाथ हैं वो वाला हिस्सा आया, फिर थोड़ा और ऊपर, और यहाँ पर जो मूर्ति है वो लगभग बनकर तैयार होगी। जो सर है वो नहीं बना, उसके अंदर एक जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो ज़रूर बन गया, और एट द एंड ये जो रिजल्ट है जो सरदार पटेल की मूर्ति है वो हमें देखने को मिली एक बड़े साइज़ में। यहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो हेड है, जो सर है वो भी बना करके अलग से रखा हुआ है, लेकिन जो मूर्ति का सर है वो तो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, ये छोटा है। तो गाइज अब हम जो है मूर्ति में जाने वाले ऊपर, ये एलिवेटर से यानी कि लिफ्ट है जो कि ऊपर हमको लेकर के जाएंगी। फिलहाल हम 45th फ्लोर पर आ चुके हैं, 45वीं मंजिल पे, और जो मूर्ति का चेस्ट है ना वहाँ से व्यू दिखाई देगा अभी गाइस। तो भाई फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मूर्ति के 45वीं मंजिल पे, ऊपर आ चुके हैं, और सामने का जो नज़ारा है वो आप लोग देखिए एक बार। नीचे जो है नर्मदा नदी दिख रही है, और क्या बात है, कैमरा घुसा दिया मुझे, जूम मारियो, ये देखो गाइस नीचे जो है नदी है, और सोचो जो मूर्ति हम आपको दिखा रहे थे ना उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं, वो भी इतना ऊपर। इस मूर्ति को बनाने के लिए शुरू में लगभग 6 लाख किसानों के जो औज़ार हैं, जो पुराने औज़ार हैं उनको इकट्ठा किया गया था, और उनके लोहे का यूज़ करके फिर जो है
हालांकि इसमें पूरे में उसको यूज नहीं लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं यार एक हाथ उनका भी जरूर इस चीज में डेफिनेटली है। तो गाइस हमने फाइनली आपको जो सबसे बड़ी स्टैचू है दुनिया की वो दिखा दी है, और हम जो है वापस से नीचे आ चुके। देखो एक बार इधर, पहले जो सूरज था वो था, सनसेट हो रहा था, लेकिन अभी जो है सूरज डूब चुका है और फिलहाल शाम का टाइम है। हम अंदर भी जा कर के आ चुके हैं और भाई जितना आंखों से दिखता है ना उससे कहीं कहीं ज़्यादा जो है इसकी हाइट है। जब ऐसे देखते हैं ना तो सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा नीचे गहरा दिखता है। और गाइस आज जो है 25 जनवरी है, कल जो है 26 जनवरी है, जिस दिन हमारे देश का जो संविधान है आप सबको बताइएगा, इस क्या ही बताऊँ मैं। और इस भारत को बनाने में, इस देश को बनाने में, इस अखंड भारत को एकजुट करने में जो सरदार पटेल का हाथ था, हम वर्ड्स में तो गाइस उसको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ आके वो फील आ रही है इनको देख के कि क्या महान ये व्यक्तित्व होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ गाइस, उस चीज़ से भी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका हूँ। क्या बोले गाइस, अब ज़्यादा कुछ बोलने में मन ही नहीं कर रहा, और बहुत खुशी सी भी है, गर्व जो है ना वो महसूस हो रहा है, और ये एक्चुअली में हकदार है दुनिया के सबसे बड़ी स्टैचू बनने के। तो भाई साहब हमने जो है पूरा 1000 किलोमीटर का ट्रैवल करके यहाँ करके आपको जो है मूर्ति दिखा दी है। जो चीज़ हमने आपको कमिट करी थी, जो प्रॉमिस किया था, वो हमने पूरा किया। तो अब आप लोग भी जो आपका प्रॉमिस है गाइस, प्रॉमिस तो खैर आपने नहीं किया, लेकिन आपका जो फर्ज है इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाने का, वो जरूर से कंप्लीट कर देना। फिलहाल शाम हो चुकी है, अब हम गाइस वापस से निकलेंगे। अब मुझे नहीं पता कि हम कहां जाने वाले हैं। हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट, वो कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट नो अब क्या करना है। अगर आपको और कुछ भी देखना है तो नीचे कमेंट्स में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Thank you.